बबली लंच करने चलना, लंच में नहीं तो अपना। नहीं यार मैं ना डाइटिंग कर रही हूँ, वो टीचर्स डे आ रहा है ना, अब साड़ी में अपनी 16 इंच की कमर तो दिखानी है ना। ओह अभी से टीचर्स डे के लिए आ रही? अभी से कहाँ, नेक्स्ट वीक ही तो है, कितने दिन रह गए। और ये देख अभी तक फिट अंदर नहीं हुआ। अरे तू चिंता मत कर, एक काम करियो टीचर्स डे वाले से खाना मत खाइयो, नहीं दिखेगी तेरी ये मोटी कमर। पर यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ टीचर्स डे के लिए। हाँ यार मैं भी फर्स्ट टाइम बन रही हूँ टीचर। यार साड़ी पहनूंगी। प्राइमरी स्कूल में तो टीचर नहीं बनी? कहाँ यार, जब मैं 5th क्लास में थी ना तो टीचर्स डे वाले दिन मुझे बुखार आ गया, फिर मैं बनी नहीं पाई टीचर। लेकिन इस बार ना मैं सारी गजल पूरी कर लूंगी। हाँ और इस बार साड़ी पहनी है, बट मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी और ना मुझे पहनने आती। अरे तो टेंशन क्यों ले रही है, मेरी मम्मी ना वर्ल्ड की बेस्ट साड़ी बांधती है, सोसाइटी की सारी लड़कियां ना मम्मी से ही साड़ी बनवाती है कुछ भी फंक्शन होता है। तो तुम मेरे घर आ जाओ साड़ी बनवाने के लिए। हाँ तो सही है, फिर वैसे हम स्कूल साथ में आ जाएंगे, अकेले आने में शर्म आती है ना साड़ी पहनकर। हाँ यार और ऐसे लड़की कमेंट भी तो पास करते हैं साड़ी पहन के निकलेंगे तो। एक काम करेंगे एंट्री करके ना कैब बुक कर लेंगे, स्कूल में देखियो क्या इंप्रेशन पड़ेगा फिर। और फिर स्कूल की सारी लड़कियां जलेंगी। कब आएगा टीचर्स डे पता नहीं यार, मुझे तो वेट नहीं हो रहा अब। सो क्लास आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देख मैम आ गई, अब ये बोलेगी टीचर्स डे आ रहा है, ये मत करना, कोट स्लीव्स मत पहनना, पैंट्स मत पहनना। जैसा कि आप सबको पता है टीचर्स डे आ रहा है नेक्स्ट वीक, और आप सब बहुत ज्यादा उत्सुक भी होंगे उसके लिए। हाँ देख बोला था ना। लेकिन प्रिंसिपल मैम लास्ट टीचर्स डे से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, बिकॉज लड़कियों ने बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस अनफॉलो किए थे। लड़कियों के बॉयफ्रेंड स्कूल के बाहर बाइक लेने के खड़े थे अपनी निब्बियों को पिक करके गोलगप्पे खिलाने के लिए। और लड़कियों के फैशन में तो उर्फी जावेद को ही फेल कर दिया था, इतना बैकलेस पहनकर आई थी, कट स्लीव, डीप नेक। तो प्रिंसिपल मैम और सारी टीचर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि इस बार टीचर्स डे पे कोई साड़ी नहीं पहनेगा, सब स्कूल यूनिफॉर्म में ही टीचर्स बनेंगे। इज इट क्लियर? क्या लेकिन मैम लास्ट ईयर वाले बच्चों की सजा हमें क्यों मिल गई है? हम सारे रूल्स फॉलो करेंगे और हम बैकलेस तो बिल्कुल भी नहीं बनवाएंगे। आप बोलो तो हम नेट के आप कॉटन की साड़ी पहन लेंगे। फोन तो हमारे पास है ही नहीं, तुम लाएंगे कहाँ से? और मैम हम ना ब्लाउज फुल स्लीव्स का बनवा लेंगे। हाँ बट मैम स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं मैम, प्लीज मैम, प्लीज 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 मैम, प्लीज प्लीज प्लीज। कीप क्वाइट क्लास, मैं सैंडल में आ गई हूं, तो नेक्स्ट ईयर कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी तुम लोगों के। और हरकतें देखो, नर्सरी क्लास के बच्चों से भी बेहुदा है। मैम प्लीज हमारा ना एक ही सपना है कि टीचर्स डे वाले दिन ना हम आपकी तरह रेडी हो, बस आपकी तरह सुंदर बनने की कोशिश, बस थोड़ी सी कोशिश करें। हाँ मैम प्लीज, आप तो प्रिंसिपल मैम की फेवरेट हो, आपके बाद तो वो टालेंगी नहीं, एक बार आप जाके बोलो ना। यस मैम, और हमारे स्कूल में सिर्फ एक ही तो रिस्पॉन्सिबल टीचर है। ओके, लगा लिया मक्खन, चढ़ा दिया मुझे आसमान पे। ठीक है जाती हूँ मैं प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में बात करने के लिए। लेकिन तुम लोग क्लास से बाहर नहीं निकलना, कॉरिडोर में मुझे एक भी लड़की मंडराते हुए नहीं दिखाई देनी चाहिए। ओके ओके मैम, तब तक चैप्टर 8 रिवाइज करो चलो। और ये क्या हो गया? सच में यार मेरे तो सारे दिन के अरमानों में जैसे पानी फिर गया हो। हम सच में प्रिंसिपल मैम के पास बात करने के लिए गए हैं या हमें ऐसे उल्लू बना रही हैं? देखने चले क्या? नहीं यार, अगर कॉरिडोर में दिख गया ना मैम को तो 1% जो चांस है ना हमारे टीचर बनने का वो भी चला जाएगा। फिर तो बस सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। हाँ एक काम करते हैं, जब तक मैम नहीं आती ना हम भगवान को याद करते हैं और दुआ करते हैं कि बस हमें टीचर बनने का मौका मिल जाए।
या किसी ने अपना जलवा दिखाया ना फैशन का, तो उसी टाइम उस लड़की को स्कूल से रस्टिकेट करवा दिया जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। अब कौन सी साड़ी पहननी है, कैसा ब्लाउज बनवाना है, कैसे झुमके डालेंगे, ये सब शुरू मत कर देना, ठीक है? अभी पढ़ाई करो, जो करना है डिस्कशन घर जाकर करना। ओके ओके मैम। थैंक गॉड यार, मुझे तो लगा था मैं इस बार भी टीचर नहीं बन पाऊंगी। हमारी दुआ काम आ गई यार। हाँ यार, एक काम करेंगे, घर जाके ना एक एक नारियल चढ़ा देंगे भगवानों को। हाँ आज तो भगवान जी डिजर्व करते हैं। चल सब साइड कर, ये बता कौन सी साड़ी पहनेगी? यार मैं तो ब्लू कलर की साड़ी पहनूंगी, जो देसी गर्ल में प्रियंका चोपड़ा ने पहनी थी, बहुत सही लगती है यार। आपसे कौन जीत सकता है।
साड़ी पहन लिया यार, तेरी मम्मी कितना बोलती है। हाँ ठीक है, वो तो छोड़, ये बता एरिंग वाले मैच कर रहे हैं या फिर जो? अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, एकदम ठीक है, तू ना मेरा बस लाइनर लगा दे। ठीक है जाती थी फिर स्कूल। मतलब कैसा लगता यार, टीचर्स भी यूनिफॉर्म में, बच्चे भी यूनिफॉर्म में, यक बिल्कुल मजा नहीं आता यार। अनीता मैम की जय हो। टीचर्स डे स्पेशल वीडियो, आप हर बार टीचर्स डे की वीडियो को बहुत सारा प्यार देते हो, तो प्लीज इस बार भी ढेर सारा प्यार बरसा देना और लाइक करना, शेयर करना सबके साथ, सारी फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन से पार्ट से आपने रिलेट किया, आप कभी टीचर्स बने हो या नहीं बने हो, साड़ी पहनी है और पहली बार जब साड़ी पहनी थी तो कैसा एक्सपीरियंस था, लाइक चलने में प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरे तो स्टार्टिंग में जब तीन चार बार जब भी मैंने साड़ी पहनी मेरी साड़ी बीच में से ऐसे अटकती थी। सो शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइक जब भी आपने फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी हो। और मैं ऐसे पड़े पड़े आउटरो इसलिए कर रही हूँ बिकॉज अभी 9 बज गया है और फ़ोन भी शेक हो रहा है। सो इतनी गर्मी में पसीने बहाने के बाद शूट करने के बाद ना एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है, तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लो इसी बात पे और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले पता लग जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।